नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप 2019 में आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किए थे, उसमें आप फर्स्ट स्टेज का एग्जाम में अपीयर हुए थे और आपका रिजल्ट नहीं हुआ था, तो रेलवे बोर्ड ने बताया था कि रिजल्ट नहीं होने पर पैसा जो है वो वापस कर दिया जाएगा कैंडिडेट को। कितना पैसा वापस किया जाएगा वो सारा डिटेल तो आप लोगों को पता ही होगा कि यदि आप 500 रुपया फी पेमेंट किए थे तो आपका जो रिफंड है वो 400 रुपया वापस किया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट पे आ जाना है। देख सकते हैं, हमने सरकारी रिजल्ट ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब वाला ऑप्शन पे जाइएगा। देखिए यहाँ लेटेस्ट जॉब, तो नीचे में जाइएगा तो रेलवे आरआरसी ग्रुप डी फी रिफंड अपडेट बैंक डिटेल 2023, यानी कि जो भी आपका फी है वो रिफंड होने वाला है, उसके लिए आपको बैंक का डिटेल ऐड करना होगा। तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करके आगे का प्रोसेस हम देखते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पे आ चुके हैं नोटिफिकेशन, आप पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। देखिए जो नोटिफिकेशन पहले है सेम नोटिफिकेशन है, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं किया गया है या फिर कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे ओबीसी वाले को 400 रुपया रिफंड मिलेगा और अदर कैंडिडेट को 250 रुपया। तो चलिए प्रोसेस कैसे करना है पूरा डिटेल देखते हैं। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। चलिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद देख सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ पे, जो जो रेलवे जोन है वो सारा डिटेल यहाँ पे पोस्ट ये सब था। अब यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पे फॉर अपडेट बैंक डिटेल्स क्लिक हेयर, यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस देख लीजिए क्या क्या फिलअप करना है। देखिए जैसे ही क्लिक किए, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना है। सारा डिटेल हम फिल करते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल हमने फिल कर लिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड, सारा कुछ हमने फिल कर लिया। नीचे में जो ऑप्शन है सबमिट का, उस पर क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा गाइस, तो आपका जो डिटेल है वो पूरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर फिल करना है, अकाउंट नंबर फिल करना है, आईएफएससी कोड फिल करना है, कौन सा बैंक अकाउंट है वो भी आपको फिल करना है, सारा डिटेल यहाँ पर फिल करना है। आपका रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर भी यहाँ पे शो हो जाएगा, सारा डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा गाइस। चलिए हम बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड डिटेल पूरा फिल करके आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारा डिटेल यहाँ पर फिल कर लिया है। नीचे में एक छोटा सा चेक बॉक्स दिखेगा, चेक बॉक्स को चेक कर लेना है। चलिए यहाँ पर चेक बॉक्स में चेक मार्क कर लेते हैं। उसके बाद गाइज सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट पर आपको क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको डिटेल देखने के लिए बोला जाएगा कि एक बार आप डिटेल यहां पर देख लीजिए। डिटेल देखने के बाद आप एडिट कर सकते हैं या फिर आप कंफर्म कर सकते हैं गाइस। तो चलिए यहां पर सारा डिटेल हमने देख लिया है, सारा कुछ सही है, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे जैसे ही क्लिक करते हैं गाइस, तो देख सकते हैं सबमिट हो चुका है। अब इसे प्रिंट कर सकते हैं, इसे प्रिंट कर लेते हैं गाइस और सेव कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में जो भी हो दिक्कत नहीं हो। तो सारे लोगों को इसी तरह से रिफंड के लिए फॉर्म फिलअप करना है। और आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।